चुके हैं वापस हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। जैसे कि मैंने शो के शुरू में बताया था कि आज हम बात करेंगे लड़कों की तरबियत के बारे में। एक ज़माना था इस बारे में कोई सोचता भी नहीं था, लड़के इंटाइटल्ड, जितने मुझे ऐसा लगता है कि जो 20-30 साल से ज़्यादा उम्र के जो लड़के हैं उनको फिर कोई लड़की एक प्रोजेक्ट लेती है उनसे शादी करने के बाद, वो कहती है कि मैं इनको सुधारूंगी। लेकिन ये नौबत अब शायद कुछ सालों बाद ना आए, बिकॉज अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वोक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं, कॉशियस हो गए हैं कि लड़के की तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी लड़की की तरबियत। यानी कि अगर एक लड़की जज्बात का मुजाहरा करे और उसमें कोई उसको माइंड ना करे तो लड़का भी कर सकता है। लड़का भी उतना ही इंसान है जितना लड़की है, लड़का भी अपने वल्नरेबिलिटी को उतना ही शो करना चाहिए और कर सकता है, उसको इजाज़त है जितना एक लड़की को है। इस तरह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो एक मर्द की ज़िंदगी में होते हैं, चाहे वो औरत हो, बीवी हो, बहन हो, माँ बाप हो फॉर दैट मैटर, या फिर काम पे जहाँ आता है तो वो इंटाइटल फील नहीं करेगा, वो एक अच्छे इंसान की तरह हर बात का जवाब देगा और रिस्पांस देगा। तो हमने एक पावर कपल को बुलाया हुआ है, आप तमाम लोग उनको जानते हैं अपनी अपनी फील्ड में, दे आर डूइंग अमेजिंग, एवरीबडी नोज देम एंड दे हैव अमेजिंग ब्यूटिफुल सन्स, और जानेंगे उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के फेवरेट खालिद आराम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तहमीना खालिद के साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? बिल्कुल ठीक है। ये मैं बताऊं, सारा इसने तरकीब चलाई है, सीखा लड़के की तरबियत पे प्रोग्राम होगा, यानी लड़का और तरबियत। अच्छा, पर सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि आपकी तरबियत में आप क्या कहते हैं, सबसे पहला पार्ट किसने प्ले किया है? ऑब्वियसली माँ करती है, और जब माँ के बाद फिर बीवी ने किया। ठीक है, बीवी ये इस पे हम आएंगे दोबारा, जरा बीवी ने किया, बट जनरली यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि एक लड़के की और एक लड़की की तरबियत में क्या फर्क है या क्या फर्क होना चाहिए? भाई यार, बेसिकली जो हमारे हमने अपने घर में देखा, अपने वालदैन के घर में देखा, वो यही था कि लॉज रूल्स उस ज़माने में बाप बना दिया करता था। वो ज़माना और था कि सुबह 9 to 5 जॉब होते, वालिद मेरे फ़ौज में थे तो फ़ौज में जाना, अर्ली जाना। बट इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, एक्चुअल तरबियत जो होती है, जो असल तरबियत का जिसे कहते हैं पहला क्लासरूम लड़का या लड़की का, वो माँ ही होती है। सही। और लड़के की तरबियत ज़्यादा शिद्दत से करनी चाहिए, ज़्यादा सख्ती से करनी चाहिए, क्योंकि वो जिसको सख्त लकड़ी है ना, उसको अडाप्ट करना। लेकिन वो माँ इतनी खूबसूरती से ढालती है उसको, इतनी प्यारी शक्ल दे सकती है, देना चाहे तो, और देती है। मैं कभी भी नहीं ये कहता कि माँ की तरबियत में फुकदान आया, बिल्कुल नहीं आता। और सेकेंडली घर का माहौल जो है, बिल्कुल बाप को देखेगा कि बाप ने क्या किया, बच्चा ऑटोमेटिकली वो करेगा। माँ को देखेंगे बेटी माँ ने क्या किया, तो वो लाजमी से स्ट्रॉन्ग माँ का होना उतना ही जरूरी है जितना स्ट्रॉन्ग बाप का होना। बिल्कुल तहमीना, माँ और बेटे का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो आपका जो आपके बेटों के साथ रिलेशनशिप है, उसमें आपने कौन सी बातों का ख्याल रखा कि ये होनी चाहिए लाजमी? डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखा। जैसे जब वो छोटे थे, और मतलब बिल्कुल जब छोटे थे, जब पैदा हुए 1-2 साल के, तो उस वक्त से डिसिप्लिन का, अच्छा डिसिप्लिन ये नहीं कि मतलब डंडा लेके, मतलब खाने के टाइमिंग्स सही, खाने की क्वांटिटी, मीठा नहीं खाया जाएगा, खाने से पहले स्नैक्स नहीं खाए जाएंगे, टाइम पे खाना खाया जाएगा, और जो खाने की क्वांटिटी है, आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, कि अगर 2 रोटियां खानी हैं तो 2 रोटियां खानी हैं, और घर का खाना खाना है। जंक फूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे घर में नहीं आते थे, मेहमानों के लिए भी नहीं आते थे, और हम फ्रिज में रखते ही नहीं थे। बहुत अरसे तक हमारे घर में कभी कोक पेप्सी नहीं आया। सही। और सोने के टाइमिंग्स, मेरा छोटा वाला बेटा जो माशाल्लाह अब उसने डेब्यू भी किया है, और हम पे अभी उसका एक ड्रामा भी चल रहा है, वैशी, वो एस्थमेटिक था। ओके। तो दवाइयों की रूटीन सही, उसके स्किन के कुछ इश्यूज थे, तो उसके स्किन की रूटीन, टाइम पे सोना, आई वाज वेरी पर्टिकुलर कि 7:30 बजे दे वर इन बेड, मैं खुद सुलाती थी। okay. सुलाने के साथ जो है वो रिलीजियस ट्रेनिंग पे भी बड़ा एम्फेसिस था, कि सारी आयतें, सारी
तकरीबन पूरी नमाज, हर आयत, हर कुल, हर कलमा खुद पढ़ाया। स्कूल जाने से पहले ही स्कूल जाने से पहले पढ़ा चुकी थी मैं। वाइल दे वर दे यूज्ड टू स्लीप व्हाइल आई वाज पुटिंग देम इन बेड। तो डिसिप्लिन्ड आपको बचपन में करना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी विलन माँ होती है, बिकॉज माँ उनको कहती है टाइम पे खाना खा लो, और वो भी बोरिंग खाना खाओ, और माँ कहती है टाइम पे नहाओ, नहीं नहाना होता बाज़ औक़ात उनको स्कूल से आके, फिर माँ कहती है टाइम पे सो जाओ, फिर माँ कहती है टाइम पे होमवर्क करो। तो वो जो एक रूटीन है वो क्योंकि माँ सेट करती है, तो और जब बाप बाहर से आता है अपने काम से या संडे है या कोई वीकेंड है, तो बाप का भी वो लग्जरी टाइम होता है, तो बाप कहता है यार छोड़ो ना, मैं आया हूँ तुम्हें ऐसा जागने दो ना, यार छोड़ो ना ये नहीं खाओ, चलो फलाना मंगा लेते हैं, वहाँ पे एक लेवरेज मिल जाता है। तो उस वक्त जो एक छोटा बच्चा होता है ना, अभी भी हो रहा होगा लोगों के घरों में कि बाप उनका बड़ा बहुत बड़ा हीरो बन जाता है और माँ विलन बन जाती है। अच्छा मैं अगर सॉरी कहता खिलामी की माफी, मगर अगर मैं जैसे खालिद सबको देखूँ तो वेरी जॉली, इजी गोइंग, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपकी पर्सनालिटी है, खास तौर पे टेकिंग इन कंसिडरेशन दैट यू हैव सन्स राइट, तो क्या इमोशनल बॉन्ड है, क्या वो आपसे अपने दिल की बातें शेयर करते हैं? तरबियत की सख्ती होती है, जैसे हज़रत अली का एक कॉल है कि बाप जो औलाद को झिड़कता है या मारता है वो एक खाद की मानंद है, द राइट क्वान्टिटी एट द राइट टाइम, ये नहीं कि बिला वजू। सो वो एक सबसे अच्छी बात आई हैव टू एडमिट, ये कसरा नफ्ती से काम ले रही है, तहमीना हैज़ बीन एन एब्सोल्युटली मार्वलस मदर, अदर देन बीइंग अ मार्वलस वाइफ। अब मेरे बच्चों के, हमारे बच्चों ने की जो अटेंडेंस स्कूल की थी वो 100,000%, दे हैव नेवर स्किप्ड स्कूल, दे हैव नेवर बीन लेट, उनके कॉन्सेप्ट नहीं है कि छुट्टी भी कोई चीज हो। और लड़कों पे यूजुअली ये नहीं देखा जाता, नहीं नहीं कभी, फ्रॉम स्कूल टाइम टू कॉलेज टाइम देयर इज नो सच थिंग एज अ छुट्टी, छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट, चाहे वो हम कहीं दावत से जो शादी नादरी होती थी गया, अपनी वी हैड आवर शेयर ऑफ पार्टी एंड ऑल दैट, दोस्तों में अच्छे लोग तरह 5 बजे भी आए थे अमीना, लेकिन 7 बजे उठ के उसने बच्चों को भेजना है, खुद जाना है, खुद ये नहीं कि मेड को दे दिया, ये भी होता ना कि भाई वो मेड तुम नहीं, शी विल बी अप देयर, और छोटी उम्र में तो ये खुद छोड़ने जाती थी और खुद लेके आती थी। तो तहमीना ये जो आपका एक इनपुट था ये अमूमन हम बहुत कम देखते हैं राइट, और हमारे एक कॉन्सेप्ट है इस माशरे में कि लड़के में ये चीज़ें सही नहीं है, शादी कर दो सही हो जाएगा, कोई लड़की आएगी प्रोजेक्ट, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? कभी कोई सही नहीं हो सकता। सही एक बात प्लीज़, जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पर हैं आउट देयर, आई नो आज भी लड़कियाँ हैं माशरे में जो कहती हैं कि हाँ आई नो इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सही कर लूँगी, कोई किसी को सही नहीं कर सकता, बेस आप नहीं बदल सकते, आदतें आप बदल नहीं सकते, बेटा इस खुशफहमी में मत रहिए, यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, बिल्कुल नेचर नहीं बदलती, ना नेचर नहीं बदलती, ना औरत आदमी को बदल सकता है, ना आदमी औरत को बदल सकती है। अगर आपको लग रहा है कि वो औरत या आदमी अपनी नेचर से हट के बहुत गुडी गुडी एक्ट कर रहा है और आपको लग रहा है ओ मैंने इसको इतनी अटेंशन दी कि ये बदल गया, इट्स टाइमली यस एब्सोल्युटली, नेचर आप किसी के नहीं बदल सकते। अच्छा नेचर की हम बात कर रहे हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, अक्सर हम जो मर्द हजरात हैं उनको ये कह के भी ना एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि मर्द इतने एक्सप्रेशन शो नहीं करते। मुझे ये बताएं कि आपके घर में कितना नॉर्मलाइज था ये कि इस फील्ड में आ सकते हैं, इफ दे वांट एक्ट कर सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, यूजुअली नहीं होता ये राइट। सो आपका क्या था? हमारी तरफ से सिर्फ इतना था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तहमीना भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, जिसे हम कहते हैं पुराने ज़माने के लोग हैं, डिग्री होल्डर्स हैं। तहमीना की एक शर्त थी और बहुत मुनासिब शर्त थी, बहुत अच्छी शर्त थी, उसने बच्चों से कहा था कि मुझे एक प्रोफेशनल डिग्री तुम लोग दे दो, उसके बाद जो तुमने करना करो। ऑब्वियसली हम खुद गाते हैं, खुद काम कर रहे हैं, we are not averse to any work, yes, which is within the parameters of sharafat and halal, we all believe in that, hum sab aise hi hain, wo koi condition nahi thi ke ha tehmina
इज़ अ वेरी जिसे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए इसके बहुत बहुत अच्छे एस्पायरेशंस हैं, बहुत ये बच्चों की खातिर बहुत सोचती है कि मैं मेरा बेटा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। मैं ज़रा चिल्ड हूँ, मेरा ज़रा ठंडा टाइप ठार आदमी हूँ कि यार हो जाएगा चलो यार कोई नहीं। बट माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जैसे इसने कहा कि हमारा बड़ा बेटा है अमार, माशाल्लाह इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम ज़ैबिस, उसने फिल्म मेकिंग और साउंड वाउंड ये किया, तो वो ज़ैबिस में कर रहा था, इज़ वेरी गुड इन स्टडीज। सो तैमीना ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम इंडस वैली में जाओ। वो बेटा बड़ा, उसने माँ की खुशी की खातिर इंडस का इम्तिहान भी दे दिया और चला भी गया। एक साल उसने लगाया, ही वॉज वेरी मिजरेबल ओवर देयर, बिकॉज़ ही सेड मैं आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता, मैंने म्यूजिक करना है साउंड करना। तैमीना रियलाइज किया एक साल बाद कि यार ही इज़ नॉट हैप्पी। उसने मुझसे भी कहा यार देखो, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, ही सेड फाइन देन डू व्हाट यू वांट। सो हैप्पी चाइल्ड, व्हाट, पढ़ाई में अच्छा था। तो आपको बच्चों के लिए ख्वाब देखने चाहिए, माँ को देखने चाहिए। तैमीना बहुत देखती है, बहुत अच्छा अच्छा ख्वाब देखती है शी। इसमें यह है कि शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव वूमन ना। मैं भी, मेरे पास तो पुरानी रिकॉर्डिंग है, एक एक बड़ी अमेजिंग मैंने सुल्ताना से भी कहा था। वो एक जब नया नया हम टीवी ने प्रोडक्शन शुरू की थी, आई थिंक पहले प्ले में मैं था, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, वीडियो घर की होम वीडियो बनाने जा रहे, और मैं कह रहा हूँ यार पर पता नहीं फ़ोन नहीं आया सुल्ताना का, एकदम फ़ोन बजा, मैंने कहा हाँ हाँ क्या है अच्छा है, कह नहीं ठीक है ना, खुश हो गए ना, आ गया ना फोन, और सब वीडियो में रिकॉर्डेड है। सो शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अस, ये बड़ा ज़रूरी होता है माँ का। आई वुड से शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ थ्री मैन इन हर लाइफ। देखिए एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना है, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क ऐसा है, पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं और करियर ओरिएंटेशंस उस लेवल पे नहीं है। बाहर के मुल्कों में बचपन से, इनफैक्ट प्राइमरी स्कूल के लेवल से वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करके करियर ओरिएंटेशन आपके अंदर डेवलप करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूट्स ये नहीं करते। अच्छा तैमीना, आपने कैसे किया हम आपसे जानेंगे लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अमूमन हम लड़कों को ये कहकर आराम से साइड पे कर देते हैं कि लड़के हैं पढ़ाई में कहाँ अच्छे होते हैं। बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है यहाँ पे, लड़के की परवरिश में उसकी पढ़ाई का कितना बड़ा रोल है, एंड ऑल्सो इसके बाद हम बात करेंगे एम्पैथी की, कंपैशन की, कि वो लड़कों में किस तरह से डेवलप की जाए परवरिश से। लड़कों की तरबियत पे बात कर रहे हैं, लड़के किस तरह से जो है वो स्टूडियस, बहुत सारे लड़के नहीं होते और कितना कॉमन है ये तो हमने देख लिया, बहुत कम कॉमन है। तैमीना थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आएंगे कि एक लड़का सबसे पहले इंसान कैसे हो और उसके बाद लड़का यानी कंपैशन हो, एम्पैथी हो, अपने रिलेशनशिप्स को सोचने समझने की सलाहियत उसमें हो, इस बारे में भी बात करेंगे। तैमीना आप बता रही थी परफेक्शन के डेफिनेशन के बारे में कुछ। नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन। हमने अपने घर में ये असूल बनाया था कि स्कूल कभी मिस नहीं करना है, कॉलेज कभी मिस नहीं करना है, तो मेरे बच्चों की 100% अटेंडेंस रही है हमेशा। पढ़ाई में बड़ा वाला बहुत अच्छा था, छोटा वाला बहुत एवरेज था, उसने बहुत ज़्यादा तंग भी किया छोटे वाले ने, मगर मैं एक चीज़ से मैं एग्री नहीं करती, आई एम सॉरी, मैं डिसिप्लिन से एग्री करती हूँ। स्कूल जाना ज़रूरी है, पढ़ाई करनी ज़रूरी है, होमवर्क करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स टाइम पे देने ज़रूरी है, बट ओवर एम्बिशियस जो माएँ हैं ना, जो अपने बच्चों की ग्रेड्स को लेके ओवर एम्बिशियस है, जो हम बचपन से मैं इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स पे देखती आई हूँ कि मतलब मैं जाती थी तो पता चला घंटों हम लाइन में खड़े हुए, एक अम्मा लड़ रही हैं, उन्होंने कहा देखें इसने ये ऐसे लिखा हुआ है, इसके अंदर ये गलती तो एक नहीं है, आपने आधा मार्क्स क्यों काटा है इसका, ये तो इसने बिल्कुल सही जुमला लिखा है, बुक में तो ऐसे ही जुमला था, आपने क्यों काटा है। वो आधे मार्क्स पे लड़ रही हैं, बिकॉज वो मार्क्स को लेके एम्बिशियस है। ठीक है ना, देर इज़ आपका बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होगा, जैसे मेरा बेटा बड़ा वाला है, वो इंग्लिश में इतना एक्सीलेंट है, फ्रॉम किंडरगार्टन टू हिज ए लेवल्स कभी उसका ए ग्रेड से नीचे नहीं आया अंग्रेजी में, मैथ्स में ही वॉज वेरी वेरी बैड। अच्छा, ये उसके हाथ पैर जोड़ने पड़े मैथ्स के लिए, उसको ट्यूशन लगवानी पड़ी, उसका जब मैथ्स में बी आया ना,
तो आप यकीन करें हमारे घर में सेलिब्रेशन थी। सब परेशान थी, इसका ए क्यों नहीं आया। अब छोटा वाला है वो ऑन अ रिलीजियस साइट है और रिलीजियस हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, उसका इस्लामियात में ए आया। आमतौर पे बच्चों का किसी का इस्लामियात में सही, नहीं आता। सही। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जरा एक और टॉपिक की तरफ भी लेके जाना चाहती हूँ कि आपने बात की ग्रेड्स की, राइट। अब यही एक्सपेक्टेशन माँ और बाप की खास तौर पे लड़कों से होती है कि ग्रेड्स भी परफेक्ट, फिर जॉब भी ऐसी, फिर सैलरी भी इतनी। तो उस बारे में आपने क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखें, एक सेकेंड, एक बात ये समझ लें आपकी, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। और आपने एक इमोशनल टर्मोइल सुना होगा या इमोशनल, आप जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस, चाइल्ड से अगर आप अनएक्सपेक्टेड आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि उसको नहीं समझ आ रही इस्लामियात मगर उसमें भी आपको ए चाहिए, नहीं उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान स्टडीज़ में मगर उसमें भी आपको ए चाहिए, वो अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता है मगर आप क्योंकि चाहते हैं कि वो एमबीए करे तो आप कहेंगे कि वो अकाउंट्स पढ़े या इकोनॉमिक्स पढ़े। दिस डजंट वर्क। बिल्कुल, ये इतना बड़ा ट्रोमा होता है। खुदा के लिए स्कूल समझें, खुदा के लिए माएँ समझें, खुदा के लिए बाप समझें के, और ये फिल्मों में भी दिखाया गया है कि इंजीनियरिंग के बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो बन रहे हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं, खुदा ना करे, बिकॉज माँ बाप की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एब्सोल्युटली। और आप उनको ये देखिए, मेरी ज़िंदगी का फॉर्मूला ये है और सबके लिए है, अपने लिए भी, इनके लिए भी और बच्चों के लिए भी, मुझे निकम्मे लोग बुरे लगते हैं। सही, ठीक है ना। आपने ज़िंदगी डिसिप्लिन होके गुजारनी है, स्कूल कॉलेज जाना है, डिग्री लेनी है, काम करना है जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा। हम दोनों की यही बात है कि जिस काम में मेरा इंटरेस्ट था मैं हमेशा उसमें एक्सेल की हूँ, ठीक है। पहले फैशन जर्नलिज्म था, आई थिंक वन ऑफ अ वेरी बिग नेम इन फैशन जर्नलिज्म। देन मेरा इंटरेस्ट पीआर में हुआ, पीआर में जेन्युइनली बहुत पसंद करती हूँ। मेरे साथ जो भी लोग काम करते हैं वो मुझे कहते हैं दैट यू आर अ प्योर पीआर पर्सन एट हार्ट बिकॉज़ आई लाइक इट, ठीक है ना। खालिद ने जो कुछ किया है ही लव्स डूइंग व्हाट ही डज रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। बिकॉज अगर हम जैसे अब हम बच्चों की, लड़कों की परवरिश पे बात कर रहे हैं, तो जैसे अब आपने बोला कि जिस भी जो भी इसमें सलाहियत है वो ऑप्ट कर सकता है, राइट। बिल्कुल। और ये हम छोड़ दें, और ये यूजुअली लड़कियों को अलाउड होता मतलब है, लेकिन खानदान वाले क्या कहेंगे डॉक्टर नहीं बना तो, खानदान वाले क्या करेंगे कि इंजीनियर नहीं बना। यार आई एम सॉरी, बहुत सारे एमबीएस आपको पता है चैनल्स पे बैठ के खबरें पढ़ रहे हैं, आपके पास जॉब्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए, आपके पास डॉक्टर्स हर साल ज़्यादा ग्रेजुएट निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग्स के लिए जॉब्स नहीं है, एमबीएस के क्यों करना है हर बच्चे ने एमबीए। बिल्कुल, देर आर अदर ऑप्शंस। बिल्कुल, देर आर अदर फील्ड्स, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं बच्चे के इंटरेस्ट पे। ऑलवेज ट्रस्ट योर चाइल्ड। बिल्कुल, एंड स्पेशली अगर वो जो है वो लड़का ही क्यों ना हो, जब एक लड़के पे खालिद साहब इतना प्रेशर हो कि ये बनाए बनाए बनाए, उसमें कितना ज़रूरी है कि एम्पथी कंपैशन, उसको एक अच्छा इंसान बनाना ऑपोजिट जेंडर के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। हाउ डू यू डू दैट? नो मैटर व्हाट यू कैन, देयर इज नो हार्म इन अ पेरेंट वांटिंग हिज चाइल्ड टू बी अ डॉक्टर। वो उसके अपने ख्वाब हैं, वो गलत है, मेरे नज़दीक गलत है। आप अपने एस्पायरेशंस, अपने ड्रीम्स, अपनी कमजोरियाँ, अपनी शॉर्टकमिंग्स आप वो बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, जेनेटिकली भी होता है, आप बोल बोल के भी। अमूमन घरों में देखा गया, हाँ है, माँ कह रही है पता नहीं फूफा कहाँ से तुम्हारी आ जाती है, फलाना आ जाती है, बाप कहता है यार सास ने तंग कर दिया, तो वो बच्चा ले रहा है, वो ले रहा है, वो सब जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट, मैं ये आपको वो बनना जो आप चाहते हैं ना कि बच्चा हो, वो आपको बनना पड़ेगा। I can't be sitting there with a cigarette in my hand and saying, beta, smoking is very bad. Dekhe, should not do that. Sorry, main ki baat kaat rahi hu. Aapko ek bahut acha waqia sunati hu. When our first son was born, Khalid ki jo badi behan hai, unki shaadi hui hui hai Shabana Azmi ke first cousin se. To Shabana Azmi ke mamu unke susar hai. तो उनको हमारा पूरा खानदान, क्योंकि वो बहुत अदीब और बहुत अच्छे राइटर, उर्दू अदब में बहुत अच्छा नाम है, तो हम उनको सब बहुत लुकअप करते हैं फॉर विजडम जब तक वो हयात थे, अल्लाह मियां उनको मगफरत करे। तो जब हमारा पहला बेटा पैदा हुआ तो वो हमारे घर आए और उन्होंने जब हमारा बेटा देखा मार, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको,
खालिद और तहमीना कि ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है ना, ये एक कोरा कागज़ है। अल्लाह मियाँ ने आपको ये एक कोरा कागज़ दिया है, अब आपकी मर्जी ब्लैंक है। पेपर समझा दो, ब्लैंक पेपर, सॉरी ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक पेपर, और आप जो इस पे लिखना चाहें लिख लें। यस यस यस। और वो बात हमने 100% बांध ली कि जो हमने लिखना है। अच्छा, वो लिखना कैसे आपको? आपको डंडा मार के नहीं लिखना या कलम लेके नहीं लिखना, आपने खुद वो बन के दिखाना है जो आप चाहते हैं कि आपका बेटा बने। बिल्कुल। अगर खालिद साहब सुबह नहीं उठेंगे, डू यू नो दैट ही इज द फर्स्ट वन टू वेक अप इन द हाउस। आमतौर पे शोबिस के लोग नहीं उठते इतनी जल्दी, बाज़ औक़ात ये मुझसे पहले उठ जाते हैं। सही, ठीक है ना? सो ही वेक्स अप एंड देन ज़रा बच्चों की अगर छुट्टी भी होती है, 11 बजने का टाइम होता है, खालिद साहब की बड़बड़ 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 स्टार्ट हो जाती है कि कोई नहीं उठता इस घर में सुबह, और सोते रहते हैं। कोई नहीं सोता हमारे घर में 12 बजे के बाद। ओ जबरदस्त। चाहे छुट्टी हो, चाहे कुछ हो, हमारे यहाँ पूरे घर सोने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे दिन जैसे लोग सोते हैं। वेरी नाइस। एक सवाल ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस लड़कों की बजाय लड़कियाँ होती तो क्या परवरिश में आप कुछ चेंज करते हैं या एज इट इज सेम रहने देते? आप, हमारी बेगम ने फैसला किया था जब बच्चे हमारे, अल्लाह सलामती दे उनको, पहला बेटा जब टीन्स में होने लगा था 10-11 साल था, उसने बड़ा अच्छा डिवाइड किया था। उसने कहा देखिए बेटे हैं, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है क्योंकि वो लड़के हैं। लड़की होती तो वो मैं टोटल अपने अंदर विंग्स में रखती। आई विल बी देयर, आई विल ऑब्वियसली बी देयर। सो तरबियत के मोडलिटीज़ बदल जाती हैं बेटा बेटी में। जितने बच्चे मुझसे फ्रैंक हैं, मेन थिंग वो शायद माँ से इतने ना हो सके। बेटियाँ होती तो वो हमारे साथ, जितनी लड़कियाँ होती हमारी बेटी की तरह हैं, वो माँ से जितनी क्लोज होंगी वो बाप से नहीं होंगी। बहुत सारे एक जो हमारा, हम, मैं बहुत इस बात पे यकीन रखता हूँ, जो हमारी रिवायात हैं, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उस पे हम बिलीव करते हैं। मैं बिल्कुल उस तरह का, मैं बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं बहुत मॉडर्न इंसान हूँ। कई दफ़ा मेरी बेगम मुझे ये कहती भी है, और अच्छी मैं कहती होगी कि आप एक एवरेज पाकिस्तानी मेल से अलग हैं, बिल्कुल आपकी सोच। बिल्कुल, वही तारीफ होती है। हाँ, तो वो, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं ना, उनको रखना चाहिए। वैल्यूज़ की जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि आप जब अपने बेटों के साथ बैठते हैं और जब बात होती है ऑपोजिट जेंडर की, उन्होंने अपनी माँ को हमेशा काम करते हुए देखा है, नॉर्मलाइज है उनके लिए, कितना नॉर्मलाइज है उनके लिए और किस तरह से वो रिस्पेक्ट करते हैं ऑपोजिट जेंडर की? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बाप को देखा रिस्पेक्ट देते हुए, ना सिर्फ माँ को बल्कि और लोगों को। उन्होंने अपने ताया को, मामू को, चाचा को, सबको देखा है रिस्पेक्ट देते। मेरे, माय मदर वाज अ वर्किंग वूमन, वो अभी पब्लिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाया भी है, वो फौज में थी, ब्रिटिश आर्मी में थी। मेरे अब्बा ब्रिटिश आर्मी में थे, उनकी मुलाकात वहाँ हुई थी। सो मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा ये कहता है कि वर्किंग वूमन मेक बेटर वाइफ्स एंड बेटर मदर्स, बिकॉज वो सारे प्रेशर्स को समझती हैं। और अल्लाह ताला ने औरत में ऐसा बहुत उम्दा एक चीज़ दी हुई है जो मर्द में नहीं है, कि जो एक्चुअल मल्टीटास्किंग जिसे कहा जाता है ना, ये मल्टीटास्किंग नहीं होती कि मैंने एक कप ये पकड़ा हुआ, एक टेबल भी उठा लिया, तो वो नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अब इनका ये यहाँ है ना, इनका दिमाग घर में भी है, इनका दिमाग काम पर भी है, इनका दिमाग भी, मेरा कुछ नहीं, मैं चिल्ड हूँ। अच्छा, वो नेचर भी होती है। हाँ, नेचर भी होती है। मेरी तो बहुत ही चिल्ड नेचर है, मैं तो तूफान भी आ रहा होगा, है अच्छा आ रहा, पहाड़ कर रहा है, चलो यार। एक्चुअली सो वो अल्लाह ने औरत के अंदर वो ऐसी चीज़ रखी है। और मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे, मैं हमेशा बच्चियों से ये कहता हूँ कि तुम अपना पोटेंशियल समझो, औरत है क्या वो समझ। लेकिन ये भी तो बात है ना तहमीना, कि जैसे आपने अपने लड़कों की परवरिश की है, अब ऐसे बहुत कम लोग करते हैं कि उनके लिए नॉर्मलाइज औरत का काम करना, रिस्पेक्ट, तो ये चीज़ आपने अपने बच्चों में इंस्टिल की, कोई बात उनको ऐसी बताई? देखिए मेरी, अगेन आई विल कोट समबडी, मेरी एक, मेरे एक दोस्त हैं आसिम अल मक्की, बहुत मेरे ऑलमोस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड ही कह लें आप। उनकी अम्मी, वो दो भाई हैं, और दो भाई थे, का इंतकाल हो गया, तो उनकी अम्मी
से भी मेरी बहुत दोस्ती थी, तो व्हेन आई वाज हैविंग माय सेकंड चाइल्ड और हमें पता चला कि बेटा ही हो रहा है कुमैल, तो मैं थोड़ा सा वरेड थी। मैंने कहा यार घर में सारे आदमी हो जाएंगे ना, आई एम द ओनली वुमन, तो अब इनको दो लोगों को संभालूंगी कैसे, दो बच्चों को, लड़कों को। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आपने फवाद और आसिम को कैसे संभाला था, कि दे आर सच नाइस वेल बिहेव्ड पीपल, सो केयरिंग फॉर ईच अदर, सो केयरिंग फॉर देयर पेरेंट्स, आपने ये कैसे किया। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छी टिप दी थी और मैं आज तक उस बात को फॉलो करती हूँ। खालिद भी करते हैं कभी कभी, खालिद उस पर मुझे इतराज़ भी करते हैं। उन्होंने कहा बेटा अपने बच्चों को बचपन से बिठा के ना, फैमिली प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इमोशनल इश्यूज, जो भी इश्यूज हैं उनके सामने डिस्कस करना, उनको सेंसिटिव बनाना। yes. अच्छा हमारा प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है आजकल, आप मैं बहुत ज़्यादा इस बात को स्टडी करती हूँ, बिकॉज आजकल जो केसेस हो रहे हैं ना, बहुत खौफनाक केसेस, ज़ाहिर जाफ़र और सारा इनाम केस, एंड अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, शाहरुख जतोई केस। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि वो माँ बाप जो पहले मिडिल क्लास थे या पहले गरीब थे और उनके पास अपनी मेहनत से पैसा आ गया, अब वो ये कहते हैं कि यार नहीं मेरे पास, क्योंकि बचपन में नहीं था, मेरे बाप ने मुझे गाड़ी नहीं लेके दी थी, सब दे दो, अपने बेटे को गाड़ी लेके दे। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, जो आप अपना कॉम्प्लेक्स, भाई आपने मेहनत से अचीव किया है उसको भी मेहनत से अचीव करने दे, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ही कि आप अपने कॉम्प्लेक्सेस जो ट्रांसफर करते हैं, और एक चीज मैंने और बहुत देखी है कि हम माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड बहुत रखने लगे, अपने ऊपर चाहे मुसीबत आ जाए, ठीक है ना, कि अच्छा ठीक है मैं करीम में चले जाती हूँ, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको गाड़ी दे दो, अच्छा मेरे पास यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, अच्छा मैं इसको दे देती हूँ, इसको दोस्तों को, लड़कों को बाय द वे हमारी सोसाइटी में थोड़ा ज्यादा होता है, दोस्तों के सामने शर्मिंदगी, दैट्स रॉन्ग। देखिए इंसान को अल्लाह ने सर्वाइवर बनाया, बच्चे बड़े चलाक होते हैं। मैं आपको एक बात, जो रोता है ना बचपन में वो कुछ नहीं, माँ को तंग करने के लिए रोता है। आपको मैं बताऊँ, घर का माहौल उनको बताएं, घर के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको बताएं, बिजनेस के प्रॉब्लम्स उनको बताएं। औकात में मैं आपको एक बहुत मिसाल देती हूँ कि अभी जाहिर है पेंडेमिक आया था तो हम सबके काम डाउन थे, मतलब खालिद के बिल्कुल शूट्स बंद थे, मैं क्योंकि इवेंट्स करती हूँ मेरा तो 2-2.5 साल तक काम बंद था। अच्छा बच्चे क्योंकि घर में बैठे हुए थे तो रोज फूड पैंडा आ रहा है, क्योंकि क्या करना है आपने, घर पे खाना है और ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो जनाब क्रेडिट कार्ड का बिल कोई आ गया 1.5-2 लाख रुपए। जब बिल आया तो खालिद ने मुझे कहा 1.5-2 लाख रुपए बिल आया। मैंने कहा आर यू सीरियस, मैंने दोनों को बिठा लिया, मैंने कहा बेटा ये बिल हम नहीं दे सकते इस वक्त, इसलिए कि इस वक्त पेंडेमिक है, सही, और सबका काम बंद है, सही, व्हाटएवर सेविंग्स वी हैव वी आर गोइंग टू सर्वाइव for out I don't know how many years on that savings and we have no plans of borrowing any money, तो ये नहीं हो सकता बेटा। सही। आपने जो खाना है मुझे बता दें, मैं घर में बना दूंगी, मगर ये लेट नाइट फूड पैंडाज नहीं आ सकते। अच्छा खालिद क्योंकि थोड़े से वो हैं सेंसिटिव, तो मेरे बड़े वाले ने कहा कि नहीं आई अंडरस्टैंड मामा, आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी तो मैं जॉब कर लूँगा। अच्छा 2 दिन में उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई और उसने ज्वाइन भी कर लिया। खालिद फेल्ट वेरी बैड, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था उसको कि हम खाने का बिल नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहना इसी तरह मनी मैनेजमेंट, यूजुअली हम मनी मैनेजमेंट थोड़े बुरे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स उसको मेरे और आपके मरने के बाद पता चलेंगी उसको अभी पता होनी चाहिए। एब्सोल्युटली थैंक यू, सेंसिटिव उनको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो टाइम कम है लेकिन हमने वो एक्स्ट्रैक्ट आप दोनों में से निकाला है लोगों को बताने के लिए कि व्हेन दे कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। जैसे कि तहमीना ने बहुत अच्छी एक बात की, सेंसिटिविटी अपने बच्चे में डेवलप करना, लड़के में डेवलप करना, उसके ट्रस्ट में आप उस पर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को शेल्टर्ड रखेंगे, उसकी जब वो बड़ा होगा हर एक से प्रॉब्लम्स होगी, रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में, इंटाइटलमेंट जब उसको फील होगी तो वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा और कभी अपने जो रिलेशनशिप्स है वो बना नहीं पाएगा। आई होप कोई एक लेसन आपके पास रह जाए और आप उसको अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में।